ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत पर दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन जब मिलने पहुंचे बाबूलाल मरांडी से, बाबूलाल मरांडी भी काफी गदगद नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर कोई भावी सीएम है और वो मिलने पहुंचता है तो ये बड़ी बात है। और बाबूलाल मरांडी एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने झारखंड बनने के बाद ये सौभाग्य इन्हें ही हासिल हुई थी जब ये पहले मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड सरकार में ये मुख्यमंत्री बने थे। तो जेएमएम विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए हैं हेमंत सोरेन। आज रात 8 बजे वो दावा भी पेश करेंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने को लेकर दावा पेश किया जाएगा। ताजपोशी की भी तैयारी होगी। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 11 भारत पर कि किस तरीके से हेमंत सोरेन मिलने पहुंचे बाबूलाल मरांडी से। काफी अच्छा एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं वो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल सकारात्मक चीजें यहां पर हुई हैं। बहुत ही संतुष्टि भरा पल ये देखने को मिल रहा है। बाबूलाल मरांडी भी उसी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन से। आशीर्वाद भी लिया उन्होंने बाबूलाल मरांडी से, आशीर्वाद देते हुए नजर आए। बाबूलाल भी काफी खुश दिख रहे हैं। हालांकि ये फैसला महागठबंधन में शामिल होने का उन्होंने नहीं लिया था इलेक्शन से पहले, लेकिन अब चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि बाबूलाल मरांडी महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि चुनाव संपन्न हो चुका है और मतगणना की गिनती भी पूरी हो चुकी है और आज की जनता ने स्पष्ट जनादेश भी दे दिया है और अब राज्य में नई सरकार गठित करने की भी कवायद चल रही है। और जैसे कि आपको सबको मालूम है कि महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत आया है, लेकिन आज यहाँ पर हम आज जहाँ आए हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के यहाँ, और आपको आश्चर्य लगता होगा कि आखिर यहाँ आने का वजह क्या है। वो वजह ये है कि आज हम चुनाव तो लड़े जरूर अलग अलग, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य एक ही रहा है और इसको लेकर आज हमने कहा कि हम लोग राज जो विगत वर्षों में विगत तत्कालीन शासन ने राज की जो स्थिति बनाई है उसको इस राज को बेहतर दिशा देने के लिए सभी लोगों की अहम भूमिका होगी। चूंकि सब विधायक के रूप में चुने गए हैं, सब सदन जाएंगे और सदन में जाने के बाद सभी लोगों की अपनी अपनी सोच के साथ राज्य को देखने का नजरिया होता है। और इस कड़ी में मैं समझता हूं कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी एक अनुभवी और काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं और हमने सोचा कि इनका भी अनुभव लेने का प्रयास किया जाए और हमने इनसे कहा कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका भी सहयोग हमें प्राप्त हो ताकि राज्य को गति देने में हमें और भी आसानी हो और हम लोग मजबूती के साथ तेजी से इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करें। बाबूलाल सर शामिल होंगे जेबीएम शामिल होंगे सरकार में? अभी तो सरकार बनाने की बात है, अभी आप लोग का कई सवाल है, कोई डिप्टी सीएम बनेगा कि मुख्यमंत्री बनेगा कि कौन बनेगा, ये भी आप सवाल करेंगे। फिलहाल सरकार बनाने को लेकर लक्ष्य है और इसको लेकर के जितने भी लोग हैं जो हमने पहले भी कहा है, जो लोग साथ आना चाहते हों, साथ चलना चाहते हों,
हम और जो झारखंड के प्रति अपनी गंभीरताएं रखते हों उनको भी हम लोग साथ लेके चल सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अनकंडीशनल होगा क्या? सबसे पहले तो हेमंत जी को इस शानदार जीत के लिए मैं अपने ओर से बधाई दे रहा हूं, और वैसे तो हमने टेलीफोन से पहले ही दे दिए थे लेकिन आज आए अचानक तो हम अपने ओर से इनको बधाई देते हैं। और जैसे कभी इन्होंने कहा कि हम सब लोगों का एक कॉमन कॉज था, कभी इस प्रदेश की जो गांव गरीब किसान मजदूर यहाँ के आदिवासी है दलित है जो प्रताड़ित है हर वर्षों से, वो सारे लोग विकास की दौड़ में पिछड़े हुए, तो सामान्य उद्देश्य को लेकर के हम सब लोग भले अलग अलग लड़े ऐसे इन्होंने कहा कर उन्होंने बहुत ही दिल बढ़ा करके यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का पूरा समर्थन हेमंत सोरेन जी को रहेगा, और इनको लिखित में भी हम लोग पहुँचा देंगे और आप सब लोगों के सामने भी हम कह रहे हैं कि पूरा समर्थन हमारी पार्टी सरकार देखिए सरकार में बिना शर्त समर्थन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई शर्त की नहीं होती है समर्थन की, जब हम समर्थन इनको दे रहे हैं तो फिर शर्त की क्या मतलब होती है भाई? नहीं सरकार में शामिल होने का कोई शर्त हमारे पास नहीं है, हम सीधा सीधा चूंकि इनको पर्याप्त बहुमत है और जब कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके अधिकार क्षेत्र में होता है वो जिन लोगों को ले, हम लोग पूरी तरह से सरकार को समर्थन करेंगे, हेमंत जी को समर्थन करेंगे। अभी सरकार बनने दीजिए, और कौन कौन बनेंगे वो हम लोग आपके समय के अनुसार, और किन किन दलों से मुलाकात, संभवतः आज हम लोग गवर्नर के यहाँ पहुँचने का हम लोगों ने समय भी मांगा है 8 बजे के लगभग, और तिथि का भी घोषणा बहुत जल्द किया जाएगा, वो भी चूंकि बहुत पूरे देश से शुभकामनाएं संदेश आ रही हैं और सभी लोगों की इच्छाएं हैं कि शपथ ग्रहण समारोह काफी अच्छे तरीके से हो, राज्य की जनता की भी भावना है। अभी बताया जाएगा आपको कि किन किन लोगों के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, अभी वो सेकंड स्टेज है। प्रधानमंत्री को भी करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से अगर आए तो इससे बढ़िया और क्या है शपथ ग्रहण में। नरेंद्र मोदी जी से कल क्या बात हुई आपकी, कुछ बात हुई? उन्होंने शुभकामनाएं संदेश दिया है, हमने भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया। नहीं उन्होंने भी फोन किया, उनसे भी बात हुई, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने फोन किया था, राहुल जी ने भी फोन किया था और सभी लोगों ने बधाई दी है। ममता दीदी की चिट्ठी हमारे पास आई है, उन्होंने भी हमें शुभकामनाएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री बनाएंगे क्या हेमंत जी? आप खुद बोल रहे थे बहुत सारे सवाल हैं, तो आप जो सवाल नहीं, ये बात है, बात की बात है, पहले सरकार बनने दीजिए, और अभी प्रक्रिया वो बात की है, वो बाद में हम इस चर्चा करेंगे। नहीं अब बहुत जल्द अब हम लोग आप लोग के समक्ष ये डेट भी हम लोग बताएंगे अभी।